मैं हूँ संजीता और लिव सिंपल विद संजीता चैनल के और एक नए ब्लॉग में आप सभी का दिल से स्वागत है। आई होप आप सब लोग ठीक है, हम सब भी ठीक है। और आज है सरस्वती पूजा, तो सबको सरस्वती पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब अच्छे से सरस्वती पूजा इंजॉय करें। पर आज का वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है हमारे यहाँ पे, परसों से बारिश हो रही है। कल भी हम लोग शॉपिंग करने नहीं जा पाए और यो के लिए नई कुर्ती लेना था वो भी नहीं ले पाए, सेलेट पेंसिल लेना था वो भी नहीं ले पाए। आज उसको सोचा था कि हाथे कोड़ी जो है वो देंगे, बट आई डोंट नो कैसे क्या पॉसिबल होगा। तो ब्राह्मण से पूछा है, उन्होंने बोला है कि अगर सेलेट पेंसिल नहीं होता है तो नया कॉपी और पेंसिल से भी होता है, मतलब वही जुगाड़ वाला जो होता है तो होता है। तो मम्मी बोलिए करवा दो, नेक्स्ट ईयर अगर हो पाएगा हम लोग पूजा करवाएंगे। हाथे कोड़ी देना ज़रूरी है क्योंकि इस बार उसको स्कूल में देंगे और नेक्स्ट ईयर अगर सब कुछ सही रहा तो हम लोग घर में ही पूजा करेंगे। और आज वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लग रहा है कि अब भी बारिश आएगी। और ब्राह्मण आने का बात था 7:30 को पर अभी तक नहीं आए। तो मैंने भाभी को फ़ोन किया था जहाँ पे हम लोग अंजलि देंगे, तो उन्होंने बोला है कि 10:30 बज जाएगा। तो प्रीत रियो दोनों का नहाना हो गया है, अभी बस मैं नहाऊंगी। मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, मुझे लग रहा है अब भी बारिश आएगी, बहुत ज़्यादा ख़राब है वेदर यहाँ का। तो चलिए ब्लॉग में लास्ट तक ज़रूर बने रहना। और मेरा ना मन नहीं मान रहा है कि ऐसे देखो यो को ऐसे हाथे कोड़ी देना। मैंने बहुत कुछ प्लान किया था कि घर पे पूजा करेंगे और नया ड्रेस वगैरह पहन के वो करेगा, पर होता है ना आप कुछ प्लान करोगे और भगवान कुछ और सोच के रखता है, तो वही जैसे होगा वैसे करवा देंगे। इस बार नेक्स्ट ईयर अगर हो पाएगा अच्छे से पूजा वगैरह करेंगे, उसके लिए नए कुर्ती वगैरह लेंगे। बस इस बार ऐसे ही कर रही हूँ मैं हाथे कोड़ी उसका। तो चलिए मेरा गर्म पानी हो गया है, मैं नहा के आती हूँ, उसके बाद में ये दोनों को लेके भी जाना है। तो चलिए बाद में मिलती हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रियो का हाथे कोड़ी हो रहा है। मेरी आते आते थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई थी, फिर मैंने थोड़ा सा वेट किया, देन आई और आते आते देखा कि अंजलि ख़त्म हो चुका था। पर भाभी के कहने पे ब्राह्मण ने और एक बार अंजलि करवाया और रियो के हाथे कोड़ी भी दिया, तो बस हो गया किसी तरह। और आज का वेदर देख के ना मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। आई थिंक बहुत सारी जगहों पे ऐसा वेदर है। आज तो सारे स्टूडेंट्स का दिन है पर भगवान का ही जो लीला, आज इतना ज़्यादा ख़राब वेदर है यहाँ पे। और मैं तो बस एक कुर्ती डाल के आई हूँ और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था इसीलिए मैंने अपने आप को शूट नहीं करवाया। तो ये सारे स्टूडेंट्स है और हम लोगों ने प्रसाद खा लिया था, तो भाभी ने बोला कि आज लंच बनेगा मेरे यहाँ पे करके जाना। तो लंच में आज बन रहा है खिचड़ी, साथ में बादा गोभी साग और बैंगन फ्राई। बैंगन को मैंने काट के हल्दी नमक लगा के रख दिया है और वो ही भाभी को थोड़ी बहुत हेल्प कर दी खिचड़ी बनाने में। और मैंने रियो को थोड़ा टाइम के लिए घर पर सुला के आई हूँ, उसके बाद में मम्मी आएंगी तो रियो को ले कर आएंगी, क्योंकि यहाँ पर मतलब बहुत लोग हैं ना, तो सबके घर पे अच्छा नहीं लगता, इस वजह से रियो को मैंने घर पे सुलाया है। यहाँ पे बना है नॉलेन गुड़ेर पायस और साथ में बना है गुड़ का चटनी टमाटर से, तो ये बनाया है भाभी की काकी माँ ने। तो बस वही मिलजुल के सब लोगों ने किया और ज़्यादा लोग नहीं है। यहाँ पे है बैंगन फ्राई और वीडियो मैंने बहुत छोटा रखा है। आई होप आप लोग को अच्छा लगे, अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना। और तब तक के लिए आप लोग के साथ रहिए, खुश रहिए एंड अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। প্রথম থেকে বলো চলা
नहीं।